मेरी कहानी में आप सबका स्वागत। आज हम सिस्टर रेणुका नायर का गवाही सुनने के लिए जा रहे हैं। हम विश्वास करते हैं ये गवाही आप सबका जीवन में आशीष का कारण बनेगा। प्रार्थना के साथ आप सब लोग गवाही सुन लीजिए। प्रभु सबको आशीष करेगा। सिस्टर रेणुका नायर, हम आपको मेरी कहानी प्रोग्राम में स्वागत करता है। आज का आपका गवाही हमारा सब दर्शकों के लिए बड़ा आशीष का कारण बनेगा। धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ बुलाया, एक मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद करती हूँ। सिस्टर, हम आपके बारे में और आपके परिवार के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। हमारा दर्शकों के लिए आप कुछ बात बता के देगा तो अच्छा है। धन्यवाद करना चाहती हूँ सिस्टर कि आपने मुझे बुलाया यहाँ गवाही बोलने के लिए। उसके लिए मैं प्रभु को भी धन्यवाद करना चाहती हूँ। पिछले 50 साल से हम मुंबई में हैं, यहीं पढ़े लिखे बड़े हुए हैं। हम परिवार समेत मुंबई में रहते हैं। कुछ समय पहले मेरा पति गुजर गया, अब मैं दोनों बच्चों के साथ, उनके परिवारों के साथ रहती हूँ। सिस्टर, आप कैसे विश्वास में आ गया? आपका गवाही हमारे दर्शकों को आप जरा बता के दे दीजिए। मैं केरला के इंदू नायर फैमिली से है और मैं 25 साल से प्रभु को जानने लगी। मलाड में हम परिवार के समेत रहते थे और जब मेरा बच्चे छोटे थे स्कूल में जाता था और मेरा हस्बैंड सऊदी अरेबिया में गया, कुछ समस्या का वजह से उन्होंने वहाँ जॉब ढूंढने के लिए गया और हम यहाँ थे। सऊदी अरेबिया में जाने के बावजूद भी हमें बहुत आर्थिक समस्या थे और उसके वो समस्या के अंदर हम लोग जूझ रहे थे। तो हमें पता नहीं था कि हम कहाँ जाओ। वैसा एक समय हमारा आया कि वहाँ का जिधर मेरा पति काम करते थे वहाँ से हम सही तरह से उनका महीने का पगार भी नहीं आया करता था, तो हम लोग बहुत कठिनाई से गुजर रहा था। तब प्रभु का ऐसे दास दासियाँ हमारे घर में आए और मुझे उनके ट्रैक दिया, वो ट्रैक पड़ा और उन्हें मुझे बताया कि मेरा प्रभु बात करता है, मेरा प्रभु सुनता है, मेरा प्रभु कार्य करता है। तो ऐसे प्रभु कौन सा है तब मुझे मालूम नहीं था, क्योंकि मैं भी यीशु मसीह को जानता था, पर ऐसे प्रभु जो जानता है सुनता है, ये सुनकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। तब मैंने सोचा कि मैं जाऊँ वहाँ देखने के लिए क्या हो रहा है। तो जब मैं कलीसिया में गया, उनके वचन सुना तो मुझे बहुत आनंदित हुआ। मैं इतनी दुख से तकलीफ से मैं थी, मगर जब वो वचन सुना तो मुझे बहुत आनंद से मेरा आत्मा भरा है। तभी मुझे एक मालूम पड़ा, यही एक सच्चा है प्रभु है। उन दिनों में हम और हमारे बच्चे चर्च में जाया करते थे, प्रभु के वचन हम लोग सुनते थे, बहुत आनंदित मैं हमारा बच्चा शांति हम प्राप्त किए। बहुत सारे मुश्किलें हमारे जीवन में आया जब चर्च में जाने के लिए भी, मगर हम तीनों, हमारे मैं और मेरे दोनों बच्चे साथ में जाता था और बहुत आनंदित हम लोग महसूस किया करता था। फिर मेरा पति सऊदी अरब में काम करते थे। एक बार ऐसा हुआ सिस्टर, क्योंकि मेरा पति कुछ किसके लिए राह देखता था, वो किसी मित्र को मिलने के लिए एक जगह में, अनजान जगह में गया। वहाँ ऐसा कोई ऐसा एक अनजान जगह था, तो अचानक पुलिस की गाड़ी आ गई, उनको पकड़ा और उनको पूछताछ किया। उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया, सिर्फ अपने मित्र को मिलने के लिए गया था। गलत फहमी से पुलिस ने उसको पकड़ के लेके गया और 20 दिन उसको उस सेल में डाला। वहाँ मेरा पति 10 दिन उन्होंने आराम से खाना खाया, सब कुछ किया। 11वां दिन उसको डर भय अंदर आ गया और वो भी रोने लगा। वो सोचा कि मेरे जीवन यहाँ नष्ट हुआ तो मेरा परिवार अकेला क्या करेगा। उस समय हम भी यहाँ रोते थे और प्रार्थना करते थे, पासरवान प्रभु के लोग सभी लोग हमारे परिवार मेरे पति के लिए प्रार्थना करता था। आपको मालूम था तभी? तभी हमको कुछ मालूम नहीं था। वो आने के बाद मुझे कहानी बताया पूरी तरह से, उन्होंने 2 घंटा बैठकर मुझे कहानी बताया। मैं सोचा मैं वहीं ख़त्म हो जाएगा, और प्रभु का बड़ा कृपा है कि तुम लोगों के प्रार्थना की वजह से मैं बच के आया, उन्होंने ऐसा कहा। ऐसा हम लोग यहाँ प्रार्थना करते करते गया तो 15-20 दिन से उनका कोई खबर नहीं था, तो हम लोग एकदम बहुत तकलीफ में आए। तो मुझे मालूम भी नहीं क्या हुआ। मैं अपने पासवान से सबसे प्रार्थना करने को कहा और सभी लोग प्रार्थना करते थे। हमारा प्रार्थना प्रभु ने सुना और 20 दिन के बाद उनको प्रभु ने उसको छुड़वाया और वो सीधा भारत पहुंचा। वो हमारे जीवन के सबसे खुशी का दिन था कि प्रभु हमारे लिए इतना बड़ा कार्य किया। और एक इंसिडेंट है, वो मेरा बेटा का है जो कभी पढ़ाई करता ही नहीं था, स्कूल में बेसा था, मारना पड़ता था, बहुत उसको कमजोर उसका बुद्धि था।
तो हम बहुत डरते थे कि हम कैसा आगे जाएगा, उसका भविष्य क्या होगा। तब सभी लोग उसको चिढ़ाया करता था कि ये पढ़ाई नहीं करेगा, इसको कोई फैक्ट्री में डालो वैसा। मैं प्रभु को रोज गिड़गिड़ा के मैं रोके रोके उसके सामने प्रार्थना करता था। मेरे बेटे को भी मैं जबरदस्त बिठा के प्रार्थना करता था। रात को 3 बजे उठ के मैं प्रार्थना करता था कि प्रभु तू बड़ा चमत्कार कर मेरे जीवन में। तो तब जाके मेरा बेटा जब 10वीं में आ गया, परीक्षा लिखा उन्होंने, जब रिजल्ट आ गया तो हम लोग तीनों जन बैठ के प्रार्थना करते थे। इतने मेरे बेटा जोर से रोने लगा, वो डर गया। तो मैंने उसको डांट कर बोला घुटने टेक कर प्रार्थना करो, तब तुम्हें उसका रिजल्ट मिल जाएगा। वैसे ही 10 मिनट के बाद हमको न्यूज़ मिला वो सेकंड क्लास होके पास हो गया। मैं बहुत कुछ प्रभु को धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मेरा प्रभु ने कभी हमें लज्जित होने नहीं दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। पिछले 25 साल से मैं प्रभु में हूँ, तो तब मुझे इतना दृढ़ विश्वास हुआ वो कभी मुझे छोड़ेगा नहीं, कभी वो लज्जित ना करेगा और आगे मुझे चलाएगा, क्योंकि ये प्रभु महान प्रभु है। इसे जो भी इसका पीछा करेगा वो कभी लज्जित ना होगा। सिस्टर आपका गवाही के लिए धन्यवाद। आगे के दिनों में प्रभु आपको इस्तेमाल करने के लिए हम सब आपके लिए प्रार्थना करेगा। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू। रेणु सिस्टर का गवाही आप सब लोग सुनाए। उनके जीवन में बहुत परेशानी थी, लेकिन जब प्रभु के पास आया उनके सब विषयों में प्रभु ने उनको उत्तर दिया। आज उन्होंने एक आशीषपूर्ण जिंदगी बिता रहे। मेरे सारे दर्शकों को मैं कह के देना चाहती हूँ, यीशु के पास कोई भी आएगा तो कभी भी लज्जित ना होगा। प्रभु आप सबको आशीष करेगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। कुछ समय हम परमेश्वर का वचन से एक भाग मगन करने के लिए जा रहे हो, कृपा करके एक दो वचन पढ़ के मुझे मदद कर दीजिए। भजन संहिता 48 उसका 9। एक छोटा वचन, हालेलुया, इट्स अ स्मॉल वर्ड। 48 का 9 में अंग्रेजी में भी एक बार पढ़ेगा। विद इन योर टेम्पल ओ गॉड वी मेडिटेट ऑन योर अनफेलिंग लव। तेरी मंदिर के भीतर तेरी करुणा पर ध्यान दिया है। ट्रांसलेशन में थोड़ा फर्क है, इसके लिए मैं बोला अंग्रेजी में भी हम पढ़ेगा। अंग्रेजी में करुणा करके शब्द इस्तेमाल किया नहीं, अनफेलिंग लव। अनफेलिंग लव, अनफेलिंग लव का मतलब क्या है? कभी भी हालेलुया फेल ना होने वाला लव, कभी भी नष्ट ना होने वाला, ब्रेक नहीं होने वाला, विफल नहीं होने वाला। एक्सैक्ट मीनिंग क्या होता है मालूम है? हमेशा के लिए रहने वाला लव। एक दिन के लिए नहीं है, 2 दिन के लिए नहीं है, 1 साल के लिए नहीं है। दुनिया का प्यार प्रेम कैसे होते हैं मालूम है? कुछ समय के बाद में वो प्यार ठंडा हो जाएगा, प्यार कम हो जाएगा। कितना भी अच्छे रिश्ते हो, धीरे धीरे क्या होते है? प्यार में ठंडापन है ना। शादी किया, पहले के दिनों में बहुत प्यार था, धीरे धीरे क्या होते हालेलुया प्यार में कमी महसूस करेगा। कभी तक वो प्यार रहते, दोनों जब जिंदा है तभी तक रहते। उसमें से कोई एक व्यक्ति मर गया, 1 हफ्ते के लिए 2 हफ्ते के लिए याद करेगा, फिर साल में 1 बार याद करेगा, उस प्यार खत्म हो गया। दुनिया का सभी प्यार सभी प्रेम खत्म होने वाला है। माता पिता आपको प्यार किया, अभी भी प्यार करते हैं क्या? जिसका माता पिता मर गया वो प्यार खत्म हो गया। भाइयों प्यार किया, बहनों प्यार किया, वो भी कुछ समय के लिए वो भी खत्म हो जाएगा। पति पत्नी प्यार किया, वो प्यार भी हालेलुया जब तक दोनों जिंदा रहेगा तब तक है, वो भी खत्म होने वाला है। दुनिया का सभी तरह का प्यार खत्म होने वाला प्यार है। लेकिन भजन संहिता में हम जो पढ़ा, भजन में कहा आपका प्यार अनफेलिंग लव है। हालेलुया अनफेलिंग लव, खत्म ना होने वाला प्यार। हालेलुया कभी भी नहीं टूटने वाला प्यार, कभी भी जैसे बोला हारने वाला नहीं है वैसे प्यार,
फेल नहीं होने वाला प्यार. हम अंग्रेजी गाना में इसे कहते हैं, द मैन ऑफ द वर्ल्ड गोना लेट यू डाउन बट जीसस नेवर फेल्स. दुनिया का लोग क्या करेगा, आपको छोड़ के चला जाएगा, लेकिन यीशु कभी भी नहीं छोड़ने वाला है. जीसस नेवर फेल्स. यीशु कभी भी हारने वाला नहीं है, करके उस गाना में बोला है, इसका अर्थ कभी भी नहीं छोड़ने वाला है. जीसस नेवर फेल्स. द मैन ऑफ द वर्ल्ड गोना लेट यू डाउन बट जीसस नेवर फेल्स. दुनिया का लोग तुम्हें क्या करेगा, छोड़ के चला जाएगा, लेकिन यीशु छोड़ने वाला नहीं है. ऐसे एक ही प्यार है, देयर इज ओनली वन लव. उस प्यार को हमें एटर्नल प्यार बुला सकते, क्या बुला सकते, देयर इज ओनली वन लव विच वी कैन कॉल एटर्नल लव. बाकी कोई भी प्यार एटर्नल नहीं है. पति पत्नी का प्यार एटर्नल नहीं है. एटर्नल का मतलब क्या है, नित्य, अनंत काल तक रहने वाला, जिस प्यार का अंत ना होते वैसे प्यार. एक लड़का लड़की का शादी हो गया, कर सोच के मालूम है एटर्नल प्यार है. लोग ऐसे बोलेगा एटर्नल प्यार है, नो दैट इज नॉट एटर्नल लव. क्या होता है मालूम है, कुछ समय बाद में उनमें से एक मर गया, दूसरे व्यक्ति क्या करेगा, शायद शादी करेगा, पहले का प्यार को क्या करेगा, भूल जाएगा. आज के जमाने में डिवोर्स काफी हो रहे, डिवोर्स हो गया, वो प्यार को भूल गया, दूसरे व्यक्ति उनके जिंदगी में आया, सही है ना. तो उस प्यार को हम एटर्नल प्यार कभी भी बुला नहीं पाऊंगा. दुनिया का कोई भी प्यार को आप एटर्नल प्यार कभी बुला नहीं पाऊंगा. माता भूल जाएगा, पिता भूल जाएगा, भाइयों भूल जाएगा, लेकिन वचन में क्या लिखा है, तेरा माँ तुम्हें भूलेगा, तुम्हें मैं तुम्हें भूलने वाला, इसका अर्थ स्टिल आई विल लव यू. सब लोग चोट के गया, सब लोग भूल गया, फिर भी मैं तुम्हें प्यार करने वाला है. इसलिए भजन संगीता में कहा, परमेश्वर का प्यार अनफेलिंग लव है, कभी भी खत्म ना होने वाला प्यार, नहीं टूटने वाला प्यार, नहीं हारने वाला प्यार, नहीं चोट के जाने वाला प्यार. कौरव वंशियों ने इस भजन संगीता लिखा है, साम्स 48 कौन लिखा है, कौरव वंशियों. इस भजन संगीता लिखा कौरव वंशियों ने, क्या कह रहे, प्रभु हम आपका मंदिर का भीतर, हम क्या मगन करेगा. करुणा हिंदी ट्रांसलेशन है, अभी मैं क्या कहा, आपका कभी अंत ना होने वाला प्यार का बारा में मगन करेगा. वी विल मेडिटेट ऑन योर एटर्नल और अनफेलिंग लव इन योर टेम्पल. आपका मंदिर का भीतर हम आपका कभी खत्म ना होने वाला प्यार का बारा में सोचने वाला है. साम्स 48 में वो इसे दिखाया है, परमेश्वर का भक्तों परमेश्वर का मंदिर में आया है, प्रभु का मंदिर में आया है, जो भक्त ने आराधना करने के लिए मंदिर में आया है. अपना भाषा में मंदिर बोलेगा तो हाथ से बनाए वो मंदिर नहीं है, मगर कलीसिया समझ लो, परमेश्वर का भवन समझ लो. चर्च बोलेगा तो, मंदिर बोलेगा तो, वचन में क्या लिखा है, दो या तीन व्यक्ति जहां भी मेरा नाम में एकत्रित होते मैं उनका बीच में बसती दे. तो दो लोग मिलकर कहां भी प्रार्थना करेगा, तीन लोग मिलकर कहां भी आराधना करेगा, उस जगह में यीशु उपस्थित है. यीशु उपस्थित है तो कलीसिया बन गया, यीशु उपस्थित है तो उसको हम परमेश्वर का भवन बुला पाऊंगा. धन्यवाद यीशु. इस मंत्र में आके हमें क्या मगन करना है, परमेश्वर के प्रेम के बारे में. कैसे प्रेम, कभी भी नहीं हारने वाला प्यार का बारे में, अनफेलिंग लव का बारे में हमें मगन करना है. भजन संगीता लिखा हुआ भक्त ने साम्स 48 में उन्होंने कहा, हम परमेश्वर का मंदिर में आया है और इस मंदिर का भीतर जब हम बैठाए, हम परमेश्वर का महिमा देखेगा, उसका जलाल देखेगा. सामर्थ के साथ में प्रभु उसका हालेलुया मंदिर में उतरा रहे, उस जो दृश्य हम देखेगा. साम्स 48 का एक वचन देखिए आपने, ही हैज शोन हिमसेल्फ
टू बी हर फोर्ट्रेस. क्या लिखा है? गॉड हिमसेल्फ रिवील्ड. प्रभु ने खुद को क्या किया? प्रकट करके दिखाया. कहां प्रकट हो गया? मंदिर के अंदर प्रकट हो गया. किस रूप में प्रकट हो गया? मैं तेरा एक गढ़, तुम्हें सुरक्षित रखने वाला, तुम्हें संभालने वाले एक गढ़ का रूप में प्रभु मंदिर के अंदर प्रकट करके दिखाया. सो इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड व्हेन वी गैदर टुगेदर, हम साथ में प्रभु की उपस्थिति में आएगा, प्रभु अपने बीच में कैसे प्रकट होने वाला है? हालेलुया, उनके सामर्थ के साथ में, उनके महिमा के साथ में ऐसे प्रकट करके दिखाने वाला है. मैं तेरा गढ़े, गढ़े इसका मतलब हमें सुरक्षित रखने वाला, हमें संभालने वाला. हालेलुया, हमें कोई भी हानिकारी शक्तियों को डरने का जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु ने गढ़ बनकर हमें सुरक्षित रखा है. साम्स 46 का पहले वचनों, उस वचनों में क्या लिखा है मालूम है? हाँ, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है. संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक. इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए, पहाड़ समुद्र के बीच में डालेगा तो क्या होने वाला है? अब समझ लो, एक पत्थर पानी में गिरेगा तो क्या होने वाला है? उसका लहर उठने वाला है. तो एक पहाड़ समुद्र में गिरेगा तो क्या होने वाला है? कैसे लहर आने, बहुत बड़ा सुनामी आने वाला है ना. एक पहाड़ को उठा के समुद्र में डाल दिया, क्या होने वाला है? पूरा इलाका डूब जाने वाला है, सुनामी आने वाला है. तो अपना भाषा में बोलेगा तो मेरा विरुद्ध में एक सुनामी आने दो, मैं डरने वाला नहीं है. ऐसे कोई बोल पाऊंगा क्या? क्यों भाई नहीं है? क्योंकि मुझे शरण लेने के लिए एक शरण स्थान है. तू मेरा सहायक है, कभी कभी आने वाला सहाय नहीं है, अति सहज, हमेशा सदैव मेरा साथ में रहने वाला सहायक. तू मेरा हालेलुया गढ़ है. भक्त ने कह रहे, मैंने देखा, मुझे प्रकट करके दिया, तेरे मंदिर का भीतर मैंने क्या देखा, ओ आप मेरा गढ़ बन के उतर आया है. कितना लोग कहेगा मुझे भय नहीं है, आई डो नॉट हैव फियर इन माई हार्ट. क्यों भय नहीं? क्योंकि यीशु मेरे साथ में है, एक गढ़ बन के यीशु मेरे साथ में है, मुझे प्रोटेक्ट कर रहे, मुझे जानते, मेरा सहायक, मुझे मदद करने वाला सदैव मेरा साथ में है. ही इज विथ मी. हालेलुया. आर यू श्योर दैट गॉड इज विथ यू? मैं एक क्वेश्चन आपको पूछना चाहता, आपको पक्का है कि परमेश्वर आपका साथ में? पक्का है ना? फिर चिंता क्यों कर रही? कौन साथ में? इंसान नहीं, प्रभु साथ में. गॉड इज विथ यू, परमेश्वर साथ में है करके आपको पक्का है तो कोई भी समस्या आने दो, आपको चिंता करना नहीं है, टेंशन लेना नहीं है. अगर आपको लगा देखो मैं प्रभु से बहुत दूर चला गया इसलिए परमेश्वर मेरा साथ में नहीं है, वो बात अलग है. वैसे किसी को भी लगा तो जल्दी क्या करना पड़ेगा मालूम है? परमेश्वर का साथ में वो जो रिश्ता को वापस बनाना पड़ेगा, वापस उनके भवन में आके नम्र होके बोलना है, प्रभु मुझे क्षमा करो, मैं वापस लौटाना चाहता हूँ आपका. हालेलुया, हल साथ में जो रिश्ता है उस रिश्ता को वापस बनाना चाहता, लौटाओ ना. प्रभु ने क्या कहा मालूम है? हमेशा वजन में सिखाते, जो लौटाने के लिए तैयार है उसको प्रभु इनकार करेगा नहीं. अपना परमेश्वर बहुत प्यार करने वाला परमेश्वर है, इसलिए इस भक्त ने कहा मैं परमेश्वर का भवन का भीतर मैं क्या करेगा, उसका कभी भी नष्ट ना होने वाला, खत्म ना होने वाला उस प्यार का बारे में मैं ध्यान करेगा, मैं मगन करेगा. आई विल मेडिटेट ऑन हिज अनफेलिंग लव. तो उस जो लव में बहुत बड़ा अर्थ है, परमेश्वर का प्यार जो अनफेलिंग लव में बहुत बड़ा अर्थ है. क्या अर्थ है मालूम है? हालेलुया. परमेश्वर का वचन जो अनफेलिंग लव करके इधर जो ट्रांसलेट किया ना, तो हिंदी में करुणा करके ट्रांसलेट किया, उस जो हिब्रू शब्द के लिए बहुत बड़ा मीनिंग है. उस मीनिंग क्या है मालूम है? हालेलुया. जब हमें कुछ सिचुएशन आएगा, जरूरी आएगा, जब अपना कुछ समस्या आएगा, हमें जाके आसारा रख पाऊंगा वैसे प्यार. हालेलुया. तो जो हिब्रू शब्द इस्तेमाल कर रहे, उस हिब्रू शब्द का मतलब ऐसे होते, हालेलुया,
a strong sense of goodwill. Dusra matlab hote, especially such as can be relied on in times of need. जब जरूरी पड़ेगा तभी हमें ट्रस्ट कर पाऊंगा, वैसे विश्वास कर पाऊंगा, वैसे एक प्यार. हेलो, हमें बहुत बड़ा जरूरत है, हम सोचेगा किसके पास मैं जा सकते, सही है ना? आपको कुछ जरूरत है तो आप जल्दी क्या सोचेगा, मुझे मदद करने के लिए इस समय में कौन रहेगा, किसको हम अप्रोच करेगा, जो हमें ज्यादा प्यार करने वाले व्यक्ति को, सही है ना? किसी से जाके मांगेगा नहीं, मांगेगा क्या, फिर किससे जाके मांगेगा? हमें रिले करने के लिए, हमें ट्रस्ट करने के लिए जो व्यक्ति है उसके पास ही जाएगा, सही है ना? तो इस वचन का मीनिंग क्या है मालूम है? परमेश्वर ऐसे व्यक्ति है जब आपको जरूरी पड़ेगा आप जाके ट्रस्ट कर सकते हैं, रिले कर सकते हैं. जब आपका समस्याओं के बीच में, जब आपका जरूरियों के बीच में, जब आपका बहुत बड़ा संकट मुसीबत के बीच में आपको जाके मदद मांगने के लिए, सहायता मांगने के लिए, हालेलुया, सबसे अच्छा जगह, द फर्स्ट प्लेस ऑलवेज यू कैन अप्रोच, दैट इज गॉड. हालेलुया. बाकी किसी के पीछे जाने से पहले किसके पीछे जा पाऊंगा? हेलो, सही है ना? दो तीन नाम आया तो प्रायोरिटी कैसे रखेगा? जो व्यक्ति से हम ज्यादा ट्रस्ट करते, रिले कर सकते, उस व्यक्ति को पहले नाम, सही है ना? अगर ना मिला तो उसको, सही है ना? प्रभु ने क्या बोला मालूम है? प्रभु ने बोला उस जो प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ज्यादा तुम रिले कर सकते मेरा नाम. किसका नाम? परमेश्वर का नाम. बाकी किसी के पास जाने से पहले तुम मेरे पास आ जाओ, बिकॉज आई हैव एन अनफेलिंग लव विथ यू. आपको जानते इसी हालेलुया वेट को कौरव वंशियों दाऊद का बारे में भजन संहिता 89 में बार बार बोला है. क्या कहा मालूम है? लॉर्ड, बिकॉज ऑफ योर अनफेलिंग लव, बिकॉज ऑफ योर अनफेलिंग काइंडनेस, बिकॉज ऑफ योर अनफेलिंग मर्सी, साम्स नंबर 89 में. आपका कभी भी ना फेल होने वाला आपका प्यार का कारण से क्या करो? दाऊद को सुरक्षित रखो, उसको बचाओ. 28 My unfailing love will be always upon him. Hallelujah. प्रभु का प्यार ना तो करुणा सदैव उन पर रहेगा. 33 उस पर से मेरा करुणा, my unfailing love, क्या बोला है? Unfailing love, उस पर से मैं नहीं हटाने वाला है. मैं आज सुबह आपको कहना चाहता, दुनिया में बाकी सभी लोगों से ज्यादा आपको प्यार करने वाला, और ऐसे प्यार है सीजनल नहीं है. हेलो, सीजनल प्यार नहीं है, कभी प्यार है कभी प्यार नहीं, ऐसे नहीं है. दुनिया का प्यार क्या होता है? सीजनल है. हालेलुया. कोई भी रिश्ता में प्यार कैसे होते? मूड का ऊपर है. हालेलुया. अच्छा मूड है तो अच्छा प्यार, मूड नहीं है तो, मूड खराब है तो फिर प्यार चला गया. हालेलुया. कोई भी रिश्ता में, फ्रेंडशिप हो, पारिवारिक हो, सिबलिंग्स के बीच में हो, है ना, भाई बहनों के बीच में हो, अच्छा मूड है तो प्यार अच्छा. हम कभी बोलेगा उनका मूड आज खराब है? हालेलुया. धन्यवाद यीशु. अपने परमेश्वर का प्यार सीजनल नहीं है. प्रभु ने आपको ऐसे प्यार किया तो उसका अर्थ क्या है मालूम है? कभी भी आप उन पर रिले कर पाओगा, कभी भी आप उन पर भरोसा रख पाओगा, आसारा रख पाओगा. कोई भी समस्या के बीच में देयर इज ए प्लेस, हालेलुया, ऐसे जगह है जहां जाके तुम मदद मांग पाओगा. तो आज आपका लिस्ट हटाओ, लिस्ट बनाया है ना, ये करेगा मैं, वो करेगा, वो सब हटा के बोलो प्रभु जी पहले मैं आपके पास आएगा और आपका प्यार अनफीलिंग है. सो दैट इज द प्लेस आई कैन ऑलवेज ट्रस्ट, आई कैन ऑलवेज रिले अपॉन. उस जगह में जाने के बाद में फिर दूसरे जगह में जाने का जरूरत, तो लिस्ट में अभी सेकंड नंबर रखने का जरूरत क्यों? क्योंकि जहां पहले गया उस जगह से आपका सोल्यूशन होने वाला है, आपका विषय का बीच में छुटकारा होने वाला है. एक क्षणांक को बंद कर दीजिए, ऐसे प्रार्थना करेगा प्रभु जी, इन योर टेम्पल आई विल मेडिटेट ऑन योर अनफेलिंग लव. मैं आपको बुस्तुदी में आया, मैं बाकी कुछ सोचेगा नहीं, मैं आपका कभी भी नहीं टूटने वाला प्यार के बारे में सोचेगा.
क्यों, वो प्यार मुझे बचाने वाला प्यार है, वो प्यार मेरे संकट में हालेलुया, वो प्यार मेरे दुखों के बीच में हालेलुया, मुझे रिले कर पाऊंगा, मुझे ट्रस्ट कर पाऊंगा, वैसे एक प्यार है, एटर्निटी तक रहने वाला प्यार, आपका एटर्नल घर में, आपका अनंतकाल का जिंदगी के लिए उस भवन में पहुंचेगा, उधर भी किसका प्यार आप अनुभव करेगा, बन में यीशु का प्यार। आमीन। सिर्फ धरती में नहीं है, सचमुच में हालेलुया, इधर से हम जाएगा, हम पहुंचेगा उनका गोद में। हेलो, हम कहां पहुंचेगा, यीशु के पास पहुंचेगा। तो प्यार बढ़ेगा कम हो जाएगा, धरती से ज्यादा प्यार हम उनको करेगा और उन्होंने हमें प्यार करेगा, लव का इंटेंसिटी बढ़ेगा। प्रोक्सीमिटी में क्या होता है, लव का इंटेंसिटी बढ़ जाते है। हालेलुया, जब करीब रहेगा प्यार और बढ़ने वाला है। बिली ग्रहाम का मृत्यु पिछले दिनों में हुआ, सभी लोग उसी बात को क्या कर रहे हैं आजकल चर्चा कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं बिली ग्रहाम ने क्या कहा मालूम है, उन्होंने कहा अगर कोई भी बोला बिली ग्रहाम मर गया तुम विश्वास करना नहीं है। इफ समबडी सेड दैट बिली ग्रहाम डाइड यू शुड नॉट बिलीव इट। बिली ग्रहाम मरा नहीं, बिली ग्रहाम का घर में गया है। हालेलुया, वो मरा नहीं, वो कहां गया है, घर में गया है, और ही इज वेरी मच अलाइव देयर। हालेलुया। सो मैं कहना चाहता हूं प्यार इस दुनिया में खत्म होएगा, बाकी सभी प्यार इस दुनिया में, बाकी सभी रिश्तेदार कब्रिस्तान तक आएगा, उधर आपको चोट के चला जाएगा, आपको घाटने के बाद में, दफनाने के बाद में उस प्यार है नहीं, लेकिन उसके बाद में भी स्थिर रहने वाला अनफेलिंग लव परमेश्वर उसके बाद में भी क्या करते हैं, आपको आप उनको उपस्थिति में, सो आपको प्रभु का भवन में आके क्या मगन करना पड़ेगा, मेडिटेट ऑन हिज लव, अनफेलिंग लव। जो व्यक्ति परमेश्वर के भवन में उसका अनफेलिंग लव को, उस प्यार को मेडिटेट करेगा, मैं कहना चाहता हूं उस अनफेलिंग लव में बहुत बड़ा छुटकारा है, उस अनफेलिंग लव, उस प्यार में बहुत बड़ा छुटकारा है, क्योंकि उस प्यार का अर्थ है बचाने वाला प्यार, चुड़ाने वाला प्यार, संकट में जाके मदद मांग सकते वैसे प्यार। हालेलुया, वैसे रिश्ता। हालेलुया, यीशु के साथ में हमें क्या है, हमें एक रिश्ता बनाया, बाकी किसी से मांगने से पहले उनको जाके मांग पाऊंगा वैसे एक रिश्ता, उनको जाके मांगा तो किसी को वापस मांगने का जरूरत नहीं पड़ेगा, वैसे छुटकारा देने वाला परमेश्वर।